सुपर पावर्स। अब तुम मानो या ना मानो, हम सब ने बचपन में स्पाइडरमैन मूवी देख के खुद को किसी बीमार या अधमरी मकड़ी से कटवाने की कोशिश जरूर की है। ओए मकड़ी, 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 काट मुझे, इधर काट, मैं भी एक बड़ा कीड़ा हूँ। उस मकड़ी के काटने से सुपर पावर तो छोड़ो, कोई अजीब सी जानलेवा बीमारी जरूर मिल जाती थी। लगता है मैं अब स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। गाइस सेम टू सेम, मैंने भी ऐसे ही किया था। मतलब बचपन में मैंने भी देखा था मूवी में कि वो मकड़ी काटता है और वो आदमी सुपरमैन स्पाइडरमैन बन जाता था। और मेरे घर में जब इतना बड़ा मकड़ी आया था तब, और मैं भी उसके पास जाने वाला था, मतलब ऐसे काटने के लिए, वो मुझे काट ले तो मैं भी स्पाइडरमैन बन जाऊँगा। तो लिटरली गाइस, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो इतना बड़ा मकड़ी था गाइस, ब्लैक कलर का था और इतना बड़ा था, तो इसका कुछ और इन्फेक्शन वो हो जाएगा, तो मैंने नहीं किया था वो। मुंह से खून आ रहा है, लगता है मैंने बंटू के सामने झूठी माँ की कसम खाई थी, उससे हो रहा है ये। मैं बचपन में ना सुपर पावर्स का बहुत भूखा था। मतलब मैं जब एक छोटा बच्चा था ना, मैंने सोच रखा था कि एक बार बेंटन की वॉच गलती से किसी जंगल में गिर जाए, उस वॉच को लाने के लिए मैं, परविंदर और अब्बू, हम तीनों जाएंगे हम तीनों साथ में, लेकिन पहनूंगा वो वॉच सिर्फ मैं, क्योंकि भाई ये देख परविंदर से वॉच चिपक गई, ऐसा लग रहा हाथ की नस पे नस चढ़ गई, अब वो नहीं निकलेगी। अरे फिर नहाते समय खराब हो गई तो? अरे परविंदर वो बेंटन की वॉच है, बेंटन की थी, अभी ये परविंदर की वॉच है, परविंदर 10। अब टीवी पे मेरा गाना आएगा, ओए हाँ है ना, डिवाइस का असर हो गया, छोटा पाजी देखो कितना मस्त हो गया, ये बड़ी बूटी वाला बच्चा कितना खास हो गया, परविंदर 10। बंद करो ये सब, कैसे वाहियात लोग हो तुम दोनों, दरिंदों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ओए चल कोई नहीं, मेरी मम्मी बोलती है आलू के पराठे खाने से सब ठीक हो जाता है। गाइस मैं बचपन में सबसे बड़ा फ़ैन कार्टून में सिर्फ और सिर्फ बेंटन का था, उसके सारे एपिसोड्स मैंने देखे और मूवीज़ भी मैं देखता था, सारे मूवीज़ मैंने देख चुके हैं, और मुझे बेंटन के सारे एलियन के नाम अभी तक याद है गाइस, आप पूछ सकते हो कमेंट में। तुमने कभी सोचा अगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर होती तो तुम पूरी दुनिया से कितने ज्यादा अलग होते, एक तरफ पूरी दुनिया के मरियल लाचार लोग और एक तरफ हो तुम। अच्छा चलो तुम भी थोड़े मरियल लाचार हो, लेकिन तुम्हारे पास है सुपर पावर्स। देखो अब सुपर पावर ना काफी टाइप की होती है, जैसे हवा में उड़ने की पावर। जादू करने की पावर। आब्राकडाब्रा, गिली गिली पिली पिली छू। गाइस मुझे भी है, ये तो गायब हुआ ही नहीं, फिर गायब हुआ क्या है? मम्मी, मेरी मम्मी गायब हो गई। अब हर सुपर पावर के ना अलग फायदे होते हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन की पावर। टेलीपोर्टेशन की पावर से तुम बिना लेट हुए किसी भी दोस्त के बर्थडे में जा सकते हो। हैप्पी बर्थडे टू। कैसे हो सब लोग? मैक्स, बिन बुलाए हर पार्टी में मत आया करो। अरे ये मेरी दादी की मैयत में भी ऐसी टोपी पहन के आ गया था, और पता है इसने टेलीपोर्ट कहाँ किया था? मेरी दादी के मुंह पे। चलो टेलीपोर्ट। गाइस आपको कौन से सुपर पावर्स अच्छे लगते हैं आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। पोटेशन की पावर साइड करते हैं, इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति की सुपर पावर मिल जाए, कहीं पर कुछ बुरा काम हो रहा हो। ओए दादी माँ, ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पे स्केटबोर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि आज पहनी नहीं है मैंने चड्डी, मुंह के बल गिरोगी तो फूटेगी डड्डी। ओए कौन है रे बटले, चल शाला बन के कट ले, दूंगा एक। थैंक यू बेटे। अब सुपर पावर के फायदे तो है लेकिन नुकसान भी उतने ही है। इमेजिन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम एक सुपर पावर वाले मुश्तंडे हो, वो लोग तुम्हें रातों रात उठाकर ले जाएंगे, और फिर तुम्हारे साथ होगा सवाल और जवाब। कौन है तू? वो मैं। कहाँ से आया है, जल्दी बोल। ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट तुम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, तुम्हारा डीएनए निकाल कर तुम जैसे और बना ले और फिर जंग में भेज दे। ओए मुश्तंडे, कुछ करेगा भी कि बस दीवार बन के खड़ा रहेगा? सर एक काम करते हैं, ये मुश्तंडे को दीवार ही बना लेते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस तुम्हें एक काल कोठरी में बंद करके रखेंगे। ये ले मुश्तंडे तेरा खाना। खाना ये।
इसीलिए सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। पर पता है जब मैं छोटा था मुझे लगता था ये किसी बेवकूफ लोग हैं, इनके पास सुपर पावर से फिर भी छुप के बैठे हैं। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं तो लोगों को खत लिख के भेज रहा होता। ये लीजिए सर, आपके लिए कोई खत है। मेरे लिए बताओ जरा। आई एम स्पाइडरमैन। किसका खत है? पता नहीं, शायद किसी बच्चे ने मजाक किया है। देखो कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है आई एम स्पाइडरमैन। स्पाइडर की स्पेलिंग भी गलत है। पता चल रहा है उस खत से किसी सुपर विलन ने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया स्पाइडरमैन। भाई मुझे गोकू की पावर चाहिए, मैं दुनिया के सारे विलन को खत्म कर दूंगा। यार थोड़ा रिलैक्स कर यार, दुनिया में वैसे भी कोई विलन। गाइस मैंने गोकू का भी एनिमे देखा था जब गोकू छोटा था, ब्लू कलर का कुछ कपड़े पहनता था गोकू वाला। मैंने सबसे अच्छा मुझे वही सीन लगा जब वो फाइट करता था। और एक एपिसोड था गाइस, वो एपिसोड का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन गोकू भी मेरा फेवरेट था। तब मैं देखता था, तब कुछ नॉर्मल थर्ड फोर्थ क्लास में था गाइस, तभी भी मैं तब देखता था। मुझे टाइम ट्रैवल का पावर चाहिए। ये पावर को 90% लोगों ने मांगा है। भाई देखो मुझे पता है हम सब ने पास्ट में बहुत अजीब हरकतें करी है और हम वो सुधारना चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ टाइम में पीछे जाऊँ और अपने छोटे रूप को दो डुच्चे मारूं। पर तुम्हें पता है टाइम ट्रैवल के बहुत सारे रूल होते हैं। तुम अपने छोटे रूप को दो डुच्चे मार के अपने टाइम में वापिस आते हो। मजा आया सेमड़ू को मार के। और तुम्हें पता चलता है अब तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। इमेजिन तुम पास्ट में गए और तुमसे गलती से कोई कुर्सी हिल गई, तुम अपने टाइम में वापिस आते हो और कुछ और ही हो रखा है। इसलिए मैं पर्सनली टाइम ट्रेवल पसंद नहीं करता। मुझे इमोर्टिलिटी की पावर चाहिए ताकि मैं सारी इवोल्यूशन देख सकूं। इमोर्टिलिटी यानी कभी ना मरना, काफी अच्छी पावर है और काफी बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि अब तुम मरोगे ही नहीं और तुम अब हर टाइप का फ्यूचर देख सकते हो। क्या पता आने वाले सालों में तुम एलियंस भी देख लो। देखिए भाईजान, आप थोड़ा दूर रह के बात करिए। अब इमोर्टिलिटी की पावर काफी बुरी भी है क्योंकि अब तुम कभी मर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे आसपास के जितने भी क्लोज लोग हैं तुम्हें उन्हें मरते देखना पड़ेगा। पिंकू मेरे बेस्ट फ्रेंड, तू तो मर रहा है यार क्योंकि मैं 80 साल का हो चुका हूँ। अरे मगर 80 साल का तो मैं भी हूँ, तो तू भी मर जा। खैर अब ये तो हो गई तुम लोग की पावर्स, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पावर के बारे में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम को रोक सकूं, पूरी दुनिया रुक जाए सिवाय मेरे। शायद इस पावर से एक इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ इस पावर के भी कुछ गाइस मुझे भी यही पावर चाहिए था कि मैं टाइम को रोक सकूं और टाइम को रोक के मैं जो चाहे वो कार चला सकूं और फ्लाइट में जा सकूं। ऐसे कुछ था फ्लाइट में देखना कैसे रहता है पूरा, और हेडक्वार्टर्स मेन हेडक्वार्टर्स में जाके देखना था आर्मी के हेडक्वार्टर्स में कि कैसे रहते हैं वहाँ पे गन्स इक्विपमेंट्स सब देखना था। टाइम ट्रैवलिंग जैसे टाइम को पॉज करके रोक के है। नुकसान ये है कि अब पूरी दुनिया रुकी हुई है और मैं अकेला चल रहा हूँ, तो शायद बुढ़ा भी मैं अकेला ही होऊंगा। इमेजिन करूँ मैंने टाइम रोका और मैं कोई फुद्दू हरकत करके मर गया। भाई मैं